तस्वीरें बाड़मेर कलेक्ट्रेट की है, कलेक्टर साहब है, विधायक महोदय है, विधायक जी के साथ है पार्षद सभापति और उनके समर्थक। विधायक जी यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर अपना पक्ष रखने आए थे। पानी की समस्या को लेकर विधायक मेवाराम जैन ने जिला कलेक्टर के सामने ही जलदाय विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कहा कि शहर में पानी की कितनी समस्या है और अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते हैं। जल माफियाओं ने शहर में पानी पर कब्जा कर रखा है, लेकिन आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हो, इसलिए मजबूरन आज हमें पार्षद सभापति को कलेक्ट्रेट के सामने बुलाना पड़ा है। जलदाय विभाग में अधिकारियों की गलती का खामियाजा बाड़मेर की जनता भुगत रही है, इसलिए तत्काल कार्रवाई करें। शनिवार को कांग्रेस के पार्षद सभापति और विधायक मेवाराम जैन कलेक्टर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और उसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों को वहीं पर बुलाया और फिर एक एक करके सभी पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि पार्षदों की अधिकारी नहीं सुनते हैं, पानी की इतनी भयंकर समस्या है, कई बार फोन करके कोई जवाब नहीं देते हैं, शहर में पानी पर जल माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा हमारे इलाके के लोग भुगत रहे हैं और उन्हें 500 से 1000 रुपये देकर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। बाड़मेर शहर में काफ़ी समय से आम जन की हमारे जनप्रतिनिधि पार्षदों की शिकायत आ रही थी कि शहर के अंदर पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। उसको लेकर हम काफ़ी समय से पीएचडी के अधिकारियों से बात भी कर रहे थे, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जवाब मिला नहीं। कोई कहते पीछे से पानी नहीं आ रहा है, कोई कहते साहब यहाँ पे अपने अवैध कनेक्शन ज़्यादा है। पार्षदों और विधायक की सुनने के बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अगले 3 दिन में जो भी जल माफिया है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और शहर में पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।